नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेजी से फैल रहा संक्रमण कम, जांच फिर भी 1276 नए पॉजिटिव, कुही के बाजार में सन्नाटा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। तेजी से फैल रहा संक्रमण कम, जांच फिर भी 1276 नए पॉजिटिव। एक ओर जहां कोरोना से बचाव के लिए तमाम तरह की उपाय योजना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमण तेजी से फैल रहा है। टीकाकरण मुहिम ने भी गति पकड़ ली है, इसके बावजूद वायरस की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। अधिकांश पॉजिटिव होम आइसोलेशन में रहने का ही नतीजा है कि संक्रमण फैलता ही जा रहा है। इस बीच 24 घंटे के भीतर 1276 नए पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही अब तक जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 1,59,005 हो गई है। इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से रिकवरी रेट भी कम हुआ है। फरवरी में जहां 94% रिकवरी रेट था, वही अब 90% पर आ गया है। जिले में 6,614 लोगों की जांच की गई है, इनमें से 1,276 में संक्रमित की पुष्टि हुई है। सिटी में 1,037 और ग्रामीण में 237 मरीज मिले, वहीं 11 लोगों की मौत हो गई है। अब मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर कुही के बाजार में सन्नाटा। कुही तहसील में कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है, हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। जिले में बिगड़े हालात को देखते हुए प्रशासन ने साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी लगाते हुए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की है। कुही में व्यापारियों और नागरिकों का इसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। थानेदार चंद्रकांत मदने के मार्गदर्शन में PSI अमोल झाड़े, राजेश दशमाने, शुभांगी तकित, रुचिका मंडवाले ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। नगराध्यक्ष चंदा वानखेड़े, उपाध्यक्ष सारिका कांबले, CO सुवर्णा धकने, निरीक्षक देवाजी सडमा ने, पार्षदगण और नगर पंचायत के कर्मचारी संक्रमण की रोकथाम के लिए उपाय योजना में जुटे हुए हैं। जन जागरण किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।